अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इब्राहिम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में विंडो किस तरह कर सकते हैं बग़ैर किसी डिस्क के। तो उसके लिए हमारे पास चाहिए एक पेन ड्राइव जो कम से कम 8 GB की हो, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है पावर ISO वो हो, और इमेज फाइल हो विंडो की जो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है पावर ISO, तो अब शुरू करते हैं। टूल्स के ऑप्शन में जाना है सबसे पहले, उसके बाद क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, ओके। उसके बाद हमारे पास जो इमेज फाइल पड़ी होगी कंप्यूटर में उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो मेरे पास विंडोज 7 है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ओपन कर देना है, इसके बाद स्टार्ट कर देना है, ओके। तो अब हमारी विंडो शुरू हो गई है बूट होना USB में। तो ये तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट का टाइम लेगी।
अब ये विंडो बूटेबल हो चुकी है, तो फिर आपने इसको ओके करके क्लोज करके अपने सीपीयू को रिस्टार्ट कर देना है, और उसके बाद अपने सीपीयू को बूट के ऑप्शन पर लगाना है, तो वहाँ पर फ्लैश डिस्क का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर ले जाकर क्लिक कर देनी है, तो आपके पीसी में जो विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।